दोस्तों हैकर्स के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा और आप लोग दुनिया के कई मशहूर हैकर्स के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे हैकर के बारे में सुना है जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं बल्कि फोन लाइंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों को भी हैक कर लेता था। ये हैकर इतना चालाक था कि अपनी पूरी जिंदगी में इसको ना तो कभी बस का किराया देना पड़ा और ना ही फोन का बिल। एक जमाने में ये नोकिया और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। दोस्तों सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि इसने FBI के नाक में भी दम कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हैकर कौन है और ये किस तरह से अपने जुर्म को अंजाम देता था। दोस्तों इस हैकर के बारे में पूरी तरह जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 6 अगस्त 1963 को, क्योंकि इसी दिन दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर केविन मिटनिक का जन्म अमेरिका के लॉस एंजलस शहर में हुआ था। मिटनिक का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था और उसके सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग था। वो सिस्टम में कमियां ढूंढकर उनका फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह जानता था और इसकी शुरुआत उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कर दी थी। दरअसल सन 1975 में लॉस एंजलस शहर के अंदर बसों में पंच कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई व्यक्ति बस में सफर करता है तो कंडक्टर उसको टिकट देते समय उसमें एक छोटे आकार का छेद बना देता था ताकि कोई भी व्यक्ति नकली टिकट बनाकर सफर ना कर सके। अब चूंकि मिटनिक का दिमाग बेहद तेज चलता था इसलिए उसने इस सिस्टम के अंदर एक कमी ढूंढ ली। दोस्तों वो कमी ये थी कि कंडक्टर हर बार टिकट में एक ही आकार का छेद बनाता था, इसलिए मिटनिक को ये समझने में देरी नहीं लगी कि उसको इस सिस्टम को हैक करने के लिए सिर्फ एक पंच होल बनाने वाली मशीन की जरूरत है। और इसके लिए मिटनिक ने बस ड्राइवर से बात करते हुए कहा कि उसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ये पंच होल बनाने वाली मशीन चाहिए। ड्राइवर ने भी स्कूल प्रोजेक्ट का सोचते हुए मिटनिक को बता दिया कि वो इस होल पंचर को कहाँ से खरीद सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या ही कहना, जहाँ एक तरफ उसके सभी दोस्त स्कूल जाते समय बस का टिकट लेते थे वहीं मिटनिक सिर्फ 12 साल की उम्र में मुफ्त में बस यात्रा करता था। दोस्तों मिटनिक के इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। लॉस एंजलस के ट्रांजिट सिस्टम को हैक करने के बाद मिटनिक एक नए तरह की सोशल हैकिंग करने में जुट गया जिसको फोन फ्रीकिंग कहा जाता था। दरअसल उस जमाने में इंटरनेट का चलन बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो समय इंटरनेट के शुरुआत का समय था। ऐसे में टेलीफोन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको हैक किया जाता था। दोस्तों फोन फ्रीकिंग करने का मेन पर्पस बिना कोई पैसा खर्चा किए मुफ्त में कॉल करना होता था, लेकिन दोस्तों मिटनिक इसको भी एक कदम और आगे ले गया क्योंकि मुफ्त के कॉलिंग के अलावा वह किसी भी व्यक्ति का फोन नंबर ढूंढने, अपना नंबर छिपाने और अपने इनकमिंग कॉल्स का बिल किसी दूसरे फोन नंबर्स पर डालने में माहिर था। क्योंकि मिटनिक की उम्र काफी कम थी इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करके कानून का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों वो किसी लालच में नहीं बल्कि मजे के लिए इस तरह के काम को करता था। एक बार मिटनिक ने अपने दोस्त लुईस के साथ मिलकर मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू स्पीकर हैक किया था जिसकी मदद से वो अपनी कार में बैठे बैठे ही मैकडॉनल्ड्स पर खड़े वाहनों को किसी भी प्रकार के संदेश दे सकता था। उसने इस काम के लिए मॉडिफाइड 2-वे रेडियो इस्तेमाल किया था और इस बार भी ये उसने सिर्फ मजा लेने के लिए ही किया था। दोस्तों यहाँ तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मिटनिक एक बेहद तेज दिमाग वाला हैकर था जो अपना मतलब निकालने के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट करना अच्छी तरह से जानता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसने ये सब करना कहाँ से सीखा था। दोस्तों इसका जवाब पाने के लिए हमें वापस मिटनिक के स्कूल के समय में जाना पड़ेगा। दरअसल जेम्स मुनरो हाई स्कूल में मिटनिक को रेडियो ऑपरेटर बना दिया गया था। क्योंकि मिटनिक का दिमाग बहुत तेज था इसलिए रेडियो रूम के अंदर उसको ये समझने में देरी नहीं लगी कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ और सिग्नल किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा उसको कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखने को मिला जो कि उस जमाने में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती थी। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे मिटनिक की हैकिंग स्किल भी बढ़ती गई। दोस्तों सन 1979 में जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी तो मिटनिक पहली बार किसी कंप्यूटर नेटवर्क में घुसा था। ये कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी का था। मिटनिक ने इस कंपनी के सिस्टम में गलत तरीके से घुसकर इनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। हालांकि उस समय मिटनिक को इसका अंदाजा नहीं था लेकिन ये उसके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा अपराध था जिसकी सजा उसको भविष्य में मिलने ही वाला था।
साल 1981 में मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर पैसिफिक बेल नाम की एक फोन कंपनी के मेन फ्रेम कॉस्मोस कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया था। आज इस कंपनी का ऑनरशिप AT&T कंपनी के पास है। दरअसल एक बार अगर मिटनिक मेन फ्रेम में घुस जाता था तो वह फिर किसी भी कॉल को किसी भी नंबर पर डाइवर्ट कर सकता था। इसके अलावा वो किसी भी फोन नंबर को किसी दूसरे पर्टिकुलर फोन नंबर पर कॉल करने से ब्लॉक कर सकता था। दोस्तों मिटनिक की वजह से ही पैसिफिक बेल कंपनी में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय इन लोगों को सिर्फ टेक्निकल एरर कह के टाल दिया जाता था। एक बार तो मिटनिक पैसिफिक बेल कंपनी की बिल्डिंग में भी घुस गया था। उसका प्लान कॉस्मोस सिस्टम रूम में जाकर लोगों के पासवर्ड चुराना था, लेकिन मिटनिक का दोस्त लुइस उनकी सभी गतिविधियों के बारे में अपने एक दूसरे दोस्त को बताता था, जिसके बारे में मिटनिक को कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों लुइस के उस दोस्त ने मिटनिक के इस काम की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद मिटनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। सभी को लगा कि शायद मिटनिक अब सुधर जाएगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद हैकिंग के लिए उसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। जेल से निकलते ही उसका अगला टारगेट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA बन गई थी, क्योंकि मिटनिक उन लोगों की बातें सुनना चाहता था। लेकिन साल 1983 में जो हैक उसने किया वो शायद उसके करियर का सबसे बड़ा हैक था। दरअसल उस समय मिटनिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में पढ़ता था। उसने यूनिवर्सिटी के ही एक पुराने कंप्यूटर की मदद से ARPANET सिस्टम को हैक कर लिया था, जो उस समय सिर्फ आर्मी और बड़े बड़े कॉरपोरेशन द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद साल 1987 में मिटनिक ने अपने एक दोस्त लेनी डचेचियो के साथ मिलकर डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉरपोरेशन कंपनी की इंटरनल नेटवर्क्स को हैक किया था। वैसे दोस्तों ये हैक मिटनिक के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि लेनी डचेचियो इसी कंपनी में काम करता था और उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मिटनिक को हैक करने के लिए चाहिए थी। वैसे तो मिटनिक हमेशा अपने मजे और मौज मस्ती के लिए हैक करता था, लेकिन दोस्तों इस बार उसके पास एक टास्क था। उसको VMS नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को सीज करना था। हालांकि उसका मिशन तो कामयाब हो गया, लेकिन दोस्तों इस बार भी उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस बार लेनी डचेचियो ने FBI के साथ मिलकर अपने दोस्त मिटनिक को धोखा दिया था। इस जुर्म के लिए मिटनिक को 2 साल की जेल और 6 महीने सुधार घर में बिताने की सजा दी गई। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि मिटनिक यहाँ भी नहीं रुका। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना निशाना IBM, नोकिया और मोटोरोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाया, जिसकी वजह से वो उस समय का सबसे बड़ा वांटेड हैकर बन गया था। और यहीं से उसके और FBI के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ। FBI बार बार उसको गिरफ्तार करती और वो हर बार छूटने के बाद फिर किसी सिस्टम को हैक कर लेता। कई साल FBI से छिपने और उन्हें बेवकूफ बनाने के बाद आखिरकार 1995 में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस पर सरकारी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने, उसको नुकसान पहुंचाने और गुप्त डेटा चुराने जैसे लगभग 30 गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके लिए मिटनिक को 5 साल की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी सन 2000 को उसको जेल से रिहा किया गया। वैसे जेल से बाहर आने के बाद मिटनिक वापस से हैकिंग के काम को शुरू कर सकता था, लेकिन इस बार उसने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और वो FBI के साथ मिलकर काम करने लगा। क्योंकि मिटनिक ने कभी पैसों के लालच में हैकिंग नहीं की थी और ना ही कभी किसी व्यक्ति या कंपनी का कोई बड़ा नुकसान किया था, इसलिए FBI ने भी उस पर भरोसा जताया। आज मिटनिक एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट, पब्लिक स्पीकर और एक लेखक होने के साथ ही अपनी खुद की कंपनी मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग भी चलाते हैं। दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरनेट अटैक के बारे में जानते हैं? एक ऐसा अटैक जिसने दुनिया के मैक्सिमम कंपनी को रोड पे ला दिया था। अगर आप भी WannaCry अटैक के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।